नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के गाड़ी गांव तालाब लीकेज के बावजूद भी सिस्टम के द्वारा यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। देखिए, विजयनगर तहसील के गाड़ी गांव के सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा झील के रिसाव के बारे में लघु सिंचाई योजना के इंजीनियर को बार बार पत्र लिख जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसी बातें स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई है। राजस्थान की ऊपरी पहुंच में करावाड़ा पहाड़ा हरसावाड़ा रानी गांव में जब भारी बारिश होती है तो इसका पानी झील में बह जाता है। नदी में बहने वाली झील में पानी का भंडारण नहीं होता है। यदि रिसाव के कारण उपरवास में भारी बारिश होती है तो झील फटने के लिए बाध्य है। ऐसी घटना पहले 2006 में भी आमुदरा में हुई थी। ऐसी घटना से बने इसलिए अभी गाँव वाले ने वेस्ट वियर की दीवार का रिपेयरिंग करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। हम अभी जो विजयनगर तहसील का जो गाड़ी गांव है वहां एक तालाब है, वो शायद आपको दिखाई दे होगा। तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो तस्वीर है गाड़ी की, तालाब है। यहां जो गांव लोग मौजूद है, इसको कुछ जो तालाब की जो दीवार है अभी जो बैंड हो गई है और जो कभी भी यहां से ये फूट भी जाए ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें यहां गांव लोगों के खड़े हैं, उसको बातचीत करने की कोशिश करके। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीनामा कच्चा जी। गिर जी हमारे साथ नीनामा जी जुड़ चुके हैं, हम उसको बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो पानी आ रहा है किस तरह से पानी कहाँ से आता है? ये पानी जो ऊपर की साइड से राजस्थान है, रानी है, करावाड़ा है, पाड़ा है, ये राजस्थान से भरपूर पानी वहाँ से नीचे की तरफ पासिंग करता है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ये डैमेज हो चुका है, तो ये जो अगर ये फूट जाए तो कितने गाँव का नुकसान होगा? ये चाहे बिल्लरिया है, कोरियावाड़ा पाल है, डड़वाब है, निचले पट्टो गाड़ी और बोकड़ा को, ये गांवों को लोगों को भी नुकसान होता है और खेती पाक को भी नुकसान होता है। और इसके बारे में आपको प्रशासन ने कोई जानकारी दी थी आपको? इससे पहले इसको 2013 में और 18 में कचहरी में सिंचाई खाता में एप्लीकेशन और पंचायत थ्रू भी जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक तो इसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है। कोई प्रशासन से कोई यहाँ आया था कार्यवाही करने? कार्रवाई के लिए इधर आए थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग चेकिंग करके रवाना हो गया था। ग्राम लोगों को भी नहीं बुलाए थे। हमें गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ प्रशासन तक भी आए थे, लेकिन कुछ आगे की कार्यवाही नहीं की है। हमारे संवाददाता विजयनगर से गाड़ी गांव ना डिप्यूटी सरपंच जनावु छू के गाड़ी तालाब माटे आज आप अहीं आवेला छो, तो अमे 2018 थी वारंवार जाण करीए छे, पंचायत थ्रू करीए छे, पण आज सुधी कोई ध्यान आपता नथी। तेम छतां फरी वार काले पण ए लोको आव्या हता, પણ જોઈને જતા રહ્યા છે અને આ તળાવનો તમે તારે ખતરો જ છે, અને આ પાણી ઉપરથી રાણી નગર હરસાવાડા બાજુથી આવે છે, કરાવાડા અને નીચલા ગામોમાં ઓખડા કોડિયાવાડા બાળેટા પાલ ડઢવાળનો કોઈ દિવસ નુકસાન થાય એવી પરિસ્થિતિ છે ત્યારે નુકસાન થાય, અને ગાડી ગામનું તો સવાલ જ નહીં, એ તો જતું જ રહેવાનું જરા બી નહીં પછી, તો એના માટે ઓકે કાર્યવાહી કરવા અમારી ગાડી ગામની વિનંતી છે. આપને ક્યારે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી? 2018 બી કરાવવામાં આવી હતી, 2013 સુધીની વાત છે. આ વારંવાર રજૂઆત કરીએ જ છીએ સિંચાઈ વિભાગને. અધિકારી દ્વારા શું કહેવામાં આવે છે? એ આવે છે, આવીને જુએ છે, એમ જોઈને પાછા જાય છે, કોઈ અમને કોઈ બોલાવતા બી નથી, છૂપછાપ આવીને જાય છે, જોઈને જતા જ રહે છે.